Now we will discuss the short questions that are present in your exercise. So the first short question is, write the difference between catalyst and enzyme. अब catalyst वो chemicals या substances होते हैं जो कि rate of reaction को increase और decrease करते हैं, जबकि enzyme वो organic compounds या substances होते हैं जो कि speed up करते हैं catalytic reaction को. So that's why हम इनके लिए organic catalyst का word भी use करते हैं. इसमें आप जो है वो एक और point भी add कर सकते हैं कि यहाँ पे आप examples डाल सकते हो कि enzyme की examples क्या हैं और यहाँ पे कैटेलिस्ट की एग्जांपल डाल सकते हो. बी है हमारे पास एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म. एनाबोलिज्म द रिएक्शन विच ब्रेक डाउन, कैटा मींस ब्रेक डाउन करना. तो जो रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब वो टूट के स्मॉलर सिंपलर वन बनते हैं और सिंपलर वन में प्रोटीन के केस में क्या होंगे, अमीनो एसिड, तो उन रिएक्शन को हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं. फिर उसके बाद एनाबोलिज्म में क्या होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं वो स्मॉलर आयंस को यूज करके, मॉलिक्यूल्स को यूज करके एक लार्ज कंपाउंड क्रिएट करते हैं. द रिएक्शन विच कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस आर कॉल्ड एनाबोलिज्म. तो इसके अंदर जो आप बताओगे कि अमीनो एसिड, ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इनको कन्वर्ट किया इंटू प्रोटीन्स जो कि कॉम्प्लेक्स है. क्वेश्चन सी है हमारे पास इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम. तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो कि सेल के अंदर रह के रिएक्शंस की स्पीड अप करते हैं. जैसे हमारे पास जो होता है वो लाइपेज वगैरह के एंजाइम्स वगैरह होते हैं. एक्स्ट्रासेलुलर मींस कि वो सेल के बाहर जाके जो होता है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. और इसमें हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल होती है वो होती है पेप्सिन. एंड जितने भी आपके पास डाइजेशन के जो एंजाइम्स होते हैं क्योंकि वो सेल से बाहर सेक्रीट हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इनको हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कंसिडर करेंगे. क्वेश्चन क्यों है, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के नॉर्मल कैटेगरी में क्या होता है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इनको हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. यानी जो एंजाइम होता है उसके अंदर क्या चीजें होना जरूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो पहला आपने याद रखना है कि दे आर प्रोटीन इन नेचर. सेकेंड है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. फोर्थ है, नेम द फैक्टर दैट इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. इनके एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं. तो आपको बताना है कि पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट. क्योंकि उन्होंने सिर्फ नेम पूछा है, उनको आगे एक्सप्लेन करने को नहीं कहा, सो आप दैट्स व्हाई इधर सिर्फ नेम लिखेंगे. फिफ्थ है, हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड. यानी एंजाइम का नाम कैसे दिया जाता है. एंजाइम का नाम दो तरीकों से दिया जाता है. एक, नंबर वन, विद द नेम ऑफ सब्सट्रेट दे मॉडिफाई, यानी कि जिसके ऊपर वो सब्सट्रेट को चूज करते हैं उसके ऊपर. जैसे अगर यूरिया पे एक्ट करेंगे तो यूरिएज, ट्रायसीन पे एक्ट करेंगे तो ट्रायोनेज, और इसी तरह का जो रिएक्शन वो कैटेलाइज करते हैं उसके ऊपर भी. जैसे अगर वो जो है वो अमाइलेज यानी अमाइलो एसिड पे एक्ट करें तो अमाइलेज हो जाएगा, सुक्रेज हो जाएगा क्योंकि ये सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेंगे. तो इस बेसिस पर हम लोग दो तरीकों से इन्हें नाम देते हैं. सिक्स्थ है, एट व्हाट टेंपरेचर ह्यूमन एंजाइम्स एक्ट द बेस्ट. अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं. एक होता है हमारे पास 37 डिग्री, नॉर्मली जो बुक्स में लिखा जाता है वो आता है 36 डिग्री टू 38 डिग्री. तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मसला नहीं होगा. लेकिन क्योंकि आपकी बुक में यही गिवन है तो आप इसी को प्रेफर करें. सेवंथ है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कोफैक्टर. यानी कि कोफैक्टर वो हेल्पिंग नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को इनहेंस करते हैं. अब इनमें हमारे पास दो तरह के कोफैक्टर्स होते हैं. एक होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि मोस्टली मेटालिक आयंस होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम वगैरह. और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जैसे NAD, FAD, विटामिन ए वगैरह. एट है, व्हाट हैपन टू एन एंजाइम व्हेन इट इज हीटेड अप टू 100 डिग्री. यानी एंजाइम को अगर 100 डिग्री तक हीट करेंगे तो क्या होगा उसके एंजाइम. बिकॉज एंजाइम इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो उसके अमीनो एसिड्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे. यानी अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि द अमीनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द एंजाइम्स दे विल ब्रेक देयर बॉन्ड्स एंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स वुड बी ब्रेक डाउन. नाइन्थ है, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फंक्शन इन एसिडिक मीडियम. यानी एंजाइम जो है वो बेस्ट एसिडिक मीडियम में कब एक्ट करते हैं.
तो आपको बताना है कि पेप्सिन इज द वन दैट एक्ट इन द एसिडिक मीडियम. टेंथ है, व्हाई इज लेस एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू अकर व्हेन एन एंजाइम इज प्रेजेंट. नॉर्मली इसके साथ जो है वो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसमें लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं. तो ये जो गैप आया है ये बिकॉज ऑफ एंजाइम आता है. तो बिकॉज एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसीलिए हम लोग जो है वो उसके जिन रिएक्शन में एंजाइम यूज होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होती है. इलेवेंथ है, व्हाई आर एंजाइम रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट हैं और ये हर रिएक्शन में बार बार यूज अप हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इनको हम लोग बहुत लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड करते हैं. ट्वेल्थ है, व्हाई आर एंजाइम स्पेसिफिक, व्हाई कैन ईच वन स्पीड अप मेनी डिफरेंट रिएक्शन. एंजाइम स्पेसिफिक क्यों होते हैं, यानी कि अगर एक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर रहा है तो वो प्रोटीन पे एक्ट क्यों नहीं करता. रीजन क्या है कि रीजन ये है कि उसके जो एक्टिव साइट के डिजाइन है वो अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट इट एक्ट है. यानी अगर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वो एक्ट कर रहा है तो उसकी एक्टिव साइट का डिजाइन कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग होगा. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि वो हर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता, इसीलिए एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है. इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस.